अजमेर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लाइज यूनियन की ओर से कारखाना स्टोर शाखा के गेट पर मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय स्तर पर कर्मचारियों के हित में किए जाने वाले आंदोलनों और लंबित मुद्दों के बारे में कर्मचारियों को जानकारी दी गई और साथ ही यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि अजमेर में कारखाना प्रशासन की ओर से कर्मचारियों के लिए कूलर की व्यवस्था नहीं की गई और ग्रुप डी के खाली पदों पर जल्द ही भर्ती नहीं की गई तो यूनियन अपने स्तर पर आंदोलन शुरू करेगा। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन हमारी अजमेर की स्टोर शाखा की गेट मीटिंग यहाँ आयोजित करिए है और इस गेट मीटिंग में तमाम रेल कर्मचारी साथियों को ये बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के द्वारा मुख्यालय स्तर पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा आज कर्मचारियों के कल्याण के लिए कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के लिए हम किस तरीके से आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से लगातार सरकार पर प्रशासन पर प्रेशर बनाकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। कई मुद्दों को हमने हल कराने का काम किया है और जो मुद्दे हल अभी नहीं हुए हैं उन पर हमारा संघर्ष जारी है।